दोस्तों यहाँ से तवाफ स्टार्ट होते हैं, वो नौकर पे पुलिस खड़े, यहाँ पे हजरत अस्वद उसको हाथ से बोसा देने, हाथ उठा के हाथ को चूम के देख सकते हैं, ये मीकात है सामने, माशाल्लाह हल्की हल्की बादल भी है। दोस्तों अभी हम उमरा स्टार्ट करेंगे, ये ग्रीन लेट जो है यहाँ से उमरा स्टार्ट होता है, सामने खाना काबा शरीफ है, तवाफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ग्रीन लेट जहाँ दोस्तों यहाँ से उस साइड से सफ़र स्टार्ट होता है, ये साइड मरवा है, ये रौनक देखे दोस्तों माशा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों मैं काशिफ नूर और मैं आज मौजूद हूँ मदीना के मीकात शरीफ पे, इधर से हम उमरा करेंगे, अभी इधर से हम जाएंगे मक्का, मैं आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगा। माशाल्लाह दोस्तों ये पूरा मदीना का मीकात है, सुभान अल्लाह, इंतज़ार करें दोस्तों, मदीना का मीकात शरीफ है ये, बाहर से भी मैं दिखाता हूँ, माशाल्लाह ये अंदर लोग नफल पढ़ के बाहर आ रहे हैं, उमरे का जो दो रकात नफल होता है, उमरे का जो नियत होता है मीकात में, माशाल्लाह दोस्तों खूबसूरत मीकात है दोस्तों मदीना शरीफ का, मैं बाहर से भी दिखाता हूँ। कल सऊदीया का जिसने आज़ादी का दिन है तो आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, तो इसलिए बड़ी तादाद में लोग उमरा करने आए मदीना से, ये बड़ा उम्र होते जो वहाँ मस्जिद आयशा से हम करते वो छोटा उम्र होते, यहाँ से ये उम्र बड़ा उम्र होता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों, बाहर से अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये बाहर बस ये सब खड़े, जितने लोग आए सब बस, कोई टैक्सी में आया कोई बस में आया, ज़्यादातर लोग बसों में आए, हम खुद भी बस में आए, जुमरात के दिन हमारे कैंप से बस आते हैं, माशाल्लाह दोस्तों यहाँ इस साइड इतने बस है नहीं खड़े, दूसरी साइड में दिखा तो वहाँ बसें ज़्यादा हैं दोस्तों। ये बाहर से मीकात है, पहले अंदर से दिखाया, माशाल्लाह ये हाजी साहिबान लोग जो उमरे पे जा रहे हैं, एहराम बांध लिया, ये सब यहाँ पे बसें खड़े, माशाल्लाह ये मीकात के साथ सारा बसों का स्टैंड है, ये सब बसें खड़े यहाँ पे, माशाल्लाह दोस्तों शाम का टाइम होने वाला है, ये सामने आप लोग देख सकते हैं, ये मीकात है सामने, माशाल्लाह हल्की हल्की बादल भी है, माशाल्लाह दोस्तों ये मेरे साथी है, ये तीन साथी है, एक और है शायद पहले आया हुआ है हमसे बस में, तो सही है दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों अभी हम पहुंच गए हरम शरीफ, मक्का का हरम शरीफ मस्जिदुल हरम में पहुंच गए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह दोस्तों ये अभी हम उमरा गेट का जो साइड है उस साइड पहुंच गए, अभी हम जाएंगे अंदर तवाफ करने के लिए, उमरा स्टार्ट करेंगे, इस साइड पे यहाँ सामने ये गाड़ियाँ जो जिधर खड़े, यहाँ पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का घर था, इस जगह को जबल उमर बोलते, जबल अरबी में पहाड़ को बोलते, माशाल्लाह दोस्तों ये न्यू मस्जिदुल हराम बन गया, यहाँ सिर्फ हज में लोगों को छोड़ते हैं, माशाल्लाह सामने जमजम पानी है लोग पीते, सामने दो मीनार जो है वो किंग फहद गेट की मीनार, यहाँ से अभी हम इंटर होंगे उमरे के लिए, सामने मक्का क्लॉक टावर है, 12:15 का टाइम है, माशाल्लाह दोस्तों इस टाइम भी बहुत रौनक है हरम पाक में,
दोस्तों ये खादिमी ने मक्का हरम शरीफ के खादिमी ने सफाई कर रहे माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों इस जगह को दारुल तौहीद बोलते हैं। ये सामने वो सामने किंग फहद गेट के मीनारे, ये इस साइड ये उमरा गेट के मीनारे, इस पे अभी काम जारी है। दोस्तों ये मक्का हरम खादिमीन के जो सफाई की मशीनें वगैरह, ये मक्का हरम शरीफ के खादिमीन भी खड़े यहाँ पे माशाल्लाह। दोस्तों ये सामने 6 नंबर टॉयलेट है, वॉशरूम है, और ये इसके साथ रास्ता गया हुआ है सीधा खलील इब्राहिम रोड की तरफ, कबूतर चौक जिसको बोलते हैं। ये सामने 8 नंबर हमाम है, और ये सामने किंग फहद गेट की मीनार है, यहाँ से लोग उम्रे के लिए दाखिल होते हैं। दोस्तों अभी हम जाएंगे बाबुल फहद के अंदर, किंग फहद का जो गेट है ये सामने, यहाँ से एंट्री है। लोगों को मैं उम्रे का तरीका बताऊंगा आज। सामने मक्का क्लॉक टावर है, 12:40 का टाइम है माशाल्लाह दोस्तों। जी दोस्तों अभी हम अंदर आए, किंग फहद गेट के अंदर आए अभी माशाल्लाह दोस्तों। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते, ये सामने लेडीज की नमाज की जगह है, यहाँ ये दीवारी से लगाए हुए, आगे मर्द की नमाज की जगह है। रास्तों में जमजम कूलर भी रखे हुए। ये मर्दों की नमाज की जगह है, अभी मैं डायरेक्ट जाऊंगा काबे के पास, वहाँ सामने दोस्तों काबा है। दोस्तों ये ग्राउंड फ्लोर है, अभी नीचे हम जा रहे हैं। ये नीचे अभी हम सहन में आए, लेकिन इस साइड पे काम होता है, ये काम की सेफ्टी, इस जगह बंद किया हुआ है, सेफ्टी वगैरह लगाए हुए। दोस्तों वो सामने खाना काबा शरीफ है, काबे के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, अभी उमरा स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह दोस्तों आज इनका नेशनल डे भी है सऊदी वालों का, ये रौनक देखे हरम पाक में। सुभान अल्लाह दोस्तों बहुत रौनक है आज हरम पाक में। दोस्तों अभी हम उमरा स्टार्ट करेंगे, ये ग्रीन लेट जो है यहाँ से उमरा स्टार्ट होता है, सामने खाना काबा शरीफ है, तवाफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ग्रीन लेट जहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ दोबारा आके एक चक्कर पूरा हो जाता है, 7 चक्कर लगाने खाना काबा शरीफ का, फिर इसके बाद 2 रकात नफल पढ़ने तवाफ के, इसके बाद फिर जाना है सही करने के लिए, फिर बाद में मैं वो भी आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा। तो अभी जो मर्द हजरात है वो दाएं वाला कंधा खुला रखेंगे, और तो अपने लिबास में होते जो अपने कपड़े होते। तो अभी हम उम्रा स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरा मुकम्मल उम्रा करने का तरीका, मेरे साथ ही रहिए वीडियो एंड तक। दोस्तों यहाँ से तवाफ स्टार्ट होते हैं, वो नौकर पे पुलिस खड़े, यहाँ पे हजरिया स्वदे उसको हाथ से बोसा देने, हाथ उठा के हाथ को चूम के, हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर आगे जो
उम्रे के दौरान, तवाफ के दौरान आपने जो भी इबादत करने, जो भी जिक्र अस्कार आपको आते वो पढ़ लिया करें, साथ चक्कर लगाने पूरे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ वापस आके एक चक्कर पूरा हो जाते, सात चक्कर लगाने काबा शरीफ का, तवाफ का। अच्छा दोस्तों एक बात याद रखना, ज़्यादातर लोग अभी तनकीद करेगा कि आप तवाफ करते हुए बात कर रहे थे, तो ये आवाज़ मैंने बाद में ऐड किया हुआ है। जिस जगह पे जब मैं खड़ा हूँ तो तवाफ नहीं करता या सफ़ा मरवा नहीं करता, उस टाइम मैंने उसी टाइम आवाज़ रिकॉर्ड की है, जब तवाफ करते वक्त या सफ़ा मरवा करते वक्त मैं उस टाइम चुप था, उस टाइम मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है, आवाज़ बाद में मैंने ऐड किया हुआ है। माशाल्लाह दोस्तों ये सारे लोग तवाफ कर रहे। दो चुटिया थी, एक इनकी जिसने आज़ादी का चुट्टी था यौमुल वतनिया का, एक जुम्मे का चुट्टी था। हम मदीना गए थे, मदीना से ये उम्र किए, ये बड़ा उम्र होता है जो यहाँ मस्जिद आयशा से हम करते वो छोटा उम्र होता है। माशाल्लाह दोस्तों बहुत रौनक था इस रात, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यहाँ आने की तौफीक अता करें, सुभान अल्लाह दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों बहुत रौनक है, दीदार करें, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यहाँ आने की तौफीक अता करें, ये खूबसूरत नज़ारा अपनी आंखों से नसीब करे अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों मेरा एक चक्कर पूरे होने वाला है, यहाँ आप लोगों को मैं अभी दिखा तो देखो, सारे लोग हजर अस्वद को बोसा देते हैं हाथ से, क्योंकि हजर अस्वद को तो हर चक्कर में लोग नहीं चूम सकते, तो हाथ से बोसा देना पड़ता है। ये देखो लोग सलाम कर रहे, बोसा दे रहे, यहाँ पे आप लोगों ने कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये मेरा एक चक्कर पूरा हो गया, एक से सात चक्कर लगाने आप लोगों ने, माशाल्लाह दोस्तों। रात के टाइम वीडियो बहुत साफ भी आता है, सुभान अल्लाह दोस्तों, बहुत खूबसूरत मंजर है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नसीब करे दोस्तों। या फिर ये लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था जब मेरा लास्ट चक्कर था, छः चक्कर मैंने लगाए लास्ट चक्कर में, फिर मैंने ये वीडियो पहले मैंने स्टॉप किया था। ये देखो फिर लोग वो समझ रहे, माशाल्लाह बहुत रौनक था दोस्तों। ये सारा हफ्ते वाला रात था, हरम पाक में बहुत रौनक था, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सामने पुलिस वाला चित्र खड़े, ये हजरे अस्वद, मैंने हजर अस्वद को भी चूमा था, बोसा दिया था, गया था अंदर, लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होते, वहाँ वीडियो नहीं बन सकता, क्योंकि लोग एक दूसरे को धक्के दे के हर कोई चाहते कि मैं हजर अस्वद को बोसा लूँ, बोसा दूँ। माशाल्लाह दोस्तों ये सामने काबे के सामने ये मकाम इब्राहिम है, माशाल्लाह। दोस्तों ज़्यादातर लोग तनकीद भी करेंगे क्योंकि तवाफ के अंदर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने उस टाइम बात नहीं किया था, फिर भी बता रहा हूँ, ये आवाज़ मैंने बाद में ऐड किया है। ये जो लोग तवाफ ख़त्म करके यहाँ नफल पढ़ते, कोई अपना जिक्र अस्कार करते यहाँ सेड़ों पे बैठ के, सामने मक्का क्लॉक टावर है, रात का 1:30 बजे, माशाल्लाह दोस्तों बहुत रौनक था इस रात। हरम पाक में इस रात बहुत रौनक था, रात को रौनक बहुत ज़्यादा होती है हरम पाक में, क्योंकि दिन को गर्म बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग रात को आते हैं उम्रा करने के लिए। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं खासकर वो लोग रात को आते, दिन को नहीं आते। देखो दोस्तों ये खादिमे ने मक्का तवाफ़ के अंदर सफाई कर रहे, लोग तवाफ़ भी कर रहे, ये लोग सफाई कर रहे, माशाल्लाह कितने खुश नसीब लोग हैं।
सुभान अल्लाह दोस्तों। माशाल्लाह सुभान अल्लाह दोस्तों, बस थोड़ी सी जगह रह गई, अब मेरा उम्रे का तवाफ मुकम्मल होने वाला है, सात चक्कर मेरे पूरे होने वाले। माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ लोग तवाफ स्टार्ट होने से पहले दुआ मांगते फिर तवाफ स्टार्ट करते, उम्रे का नियत करते। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे को कितना रौनक था दोस्तों, बहुत रौनक था इस रात, हफ्ते वाला रात था ये, हफ्ते को हमारा छुट्टी भी था दोस्तों। फिर लोग हाजिर असद को बोसा दे रहे, बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर। माशाल्लाह दोस्तों, तो सही है दोस्तों, अभी मेरा तवाफ ख़त्म हो गया, सात चक्कर मेरे पूरे हो गए, अभी बाकी का अमल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, बाकी अमल के। जी दोस्तों, अभी मैंने उम्रा ख़त्म कर दिया, ये सामने मुकाम इब्राहिम में तवाफ ख़त्म कर लिया, अभी मैं जाऊंगा सफा मरवा में, ये सामने मुकाम इब्राहिम है, यहाँ दो रकात नफल पढ़ने का सवाब ज़्यादा होता है, तवाफ़ ख़त्म करके दो रकात तवाफ के नफल पढ़ने, फिर यहाँ से ये सामने रास्ता है, मैं आगे दिखाता हूँ, यहाँ से आप लोग फिर सफा मरवा में जा सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये एरो का निशान देके इल्ले अलमासा सही के लिए, उर्दू में भी लिखा हुआ है, चेंज होता जाता है टू सफा एंड मरवा, तो ये सामने रास्ता गया हुआ है, यहाँ से ये इधर भी लिखा हुआ है थूमा सा सही के लिए, ये सामने लोग जाते ऊपर, वहाँ लास्ट पे सफा मरवाए, मैं दिखाता हूँ, यह रास्ता गया हुआ है सफा मरवा पे, पहले भी बताया, दिखाता हूँ कहाँ से सफा स्टार्ट होते है, कहाँ से मरवा स्टार्ट होता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक चक्कर का वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके साथ भी फिर आवाज़ में बाद में ऐड करूँगा, क्योंकि अभी तो वैसे रास्ते पे जा रहा हूँ। दोस्तों, यह मताफ का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ जो लोग मजदूर लोग होते साइकिल वगैरह में तवाफ करते, सामने काबा शरीफ है, यहाँ से लोग पेरे से जाते सफा मरवा में, सामने लिखा हुआ है सफा स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ से उस साइड से सफा स्टार्ट होता है, ये साइड मरवाए, ये रौनक देखे दोस्तों, माशाल्लाह बहुत रौनक है, वो सामने पहाड़ी है सफा मरवा का, ये सामने पहाड़ी है सफा मरवा का। दोस्तों, यहाँ से सफ़ा स्टार्ट होता है, सफ़ा के लगाने टोटल चार चक्कर और मरवा के लगाने तीन चक्कर, यहाँ से स्टार्ट लेके इस सेट के चार चक्कर लगाने और उस सेट के जो है तीन चक्कर लगाने मरवा के। माशाल्लाह दोस्तों, बहुत रौनक है, दीदार करें अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यहाँ आने की तौफीक अदा करे, ये भी लोग जा रहे सफ़ा कर रहे, माशाल्लाह दोस्त। दोस्तों, ये सामने एक ग्रीन लेडी जो है यहाँ पे, यहाँ पर हज़रत सईदना हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी के लिए दौड़ी थी अपने बेटे के लिए, उसको पानी चाहिए था, यहाँ अभी मर्द हजरत जो है दौड़ लगाते हैं, लेडीज़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि लेडीज
बेअदब में आता है। ये देखो मध्य स्वराज जितने भी है वो दौड़ लगाते हैं यहाँ पे जहाँ तक ये ग्रीन लाइट है। माशाल्लाह तो सूरज भी पहुँच गया था फिर भी दौड़ने का चांस मिलता था लोगों को। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये सामने जमजम का पानी है, सही के दौरान आप लोग पानी पी सकते हैं इसे। ये यहाँ जगह जगह पे लगी हुई है माशाल्लाह दोस्तों, बहुत रौनक था। सुभान अल्लाह, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कितना रौनक है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, सैन बन के हुए सैन में तो होता नहीं है, ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में ज़्यादातर लोग ग्राउंड फ्लोर पे सही करते हैं, सफ़ा मरवा ऊपर इतने नहीं होते, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सही करते हैं। ये लास्ट पे यहाँ पे सफ़ा ख़त्म हो गया, अब यहाँ से मरवा स्टार्ट होगा। जिन लोगों ने उम्रा ख़त्म किया वो दुआ कर रहे, यहाँ से मरवा स्टार्ट हो गया दोस्तों, इसे घूम के यहाँ से मरवा स्टार्ट होता है। ये लिखा हुआ हिंदी सफ़ा, सफ़ा की तरफ यहाँ से मरवा स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह दोस्तों ये रौनक देखे, बहुत रौनक था क्योंकि छुट्टी का दिन था, दो दिन छुट्टी था, तो बाहर यहाँ के जो मुकामी लोग बाहर से भी आए थे उमरा करने के लिए। सूदी में जो मुकामी लोग रियाज तबूक जद्दा वगैरह जिधर लोग रहते वहाँ से भी लोग आए थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे उमरा करने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत रौनक थे दोस्तों। एक चक्कर मेरा सफ़ा का मुकम्मल हो गया, ये अभी मरवा का चक्कर है। बिचारों में मरवा पे सफ़ा पहुंचने वाला ही। ये ग्रीन लाइट पहले भी मैंने बताया, ये यहाँ पे हज़रत सईदना हज़रत रसूलल्लाह पानी के लिए दौड़ी थी, ये मरवाई। माशाल्लाह सुभानअल्लाह दोस्तों, ये देखो यहाँ भी हाजी दौड़ लगाते, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मरवा वाली साइड पे भी है और सफ़ा वाली साइड पे भी है दोस्तों। अभी ये यहाँ पे मेरा मरवा का चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तो मेरा दो चक्कर पूरा हो जाएगा, एक सफ़ा का हो गया एक मरवा का हो गया, चार चक्कर सफ़ा के लगाने, तीन मरवा के लगाने। इधर ये सामने बोर्ड पे लिखा भी हुआ सफ़ा स्टार्ट लिखा हुआ, यहाँ ये ऊपर बोर्ड पे बाई हाथ पे सफ़ा स्टार्ट होते, ये सामने ऊपर लिखा हुआ। सफ़ा सफ़ा शुरू तीनों अल्फाजों में लिखा हुआ है, अरबी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये सामने सफ़ा मरवा की पहाड़ी है दोस्तों। ये फिर मैंने लास्ट जो मेरा लास्ट चक्कर था सफ़ा मरवा का, उसी में मैंने बनाया ये वीडियो। फिर पूरे सही में मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक सफ़ा का शार्ट बनाया था पहले और एक मरवा का, अभी ये लास्ट चक्कर है मेरा सफ़ा का वीडियो बनाया था मैंने। जो लास्ट चक्कर आएगा आप लोगों का वो सफ़ा पे आएगा,
सफ़ा से स्टार्ट भी होता है, सफ़ा पे ख़त्म भी होता है। चार चक्कर सफ़ा के, तीन मरवा के, माशाल्लाह दोस्तों बहुत रौनक था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे उम्रा करने के लिए। सुभान अल्लाह, ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पाक तमाम मुसलमानों को नसीब करे। यहाँ पे सफ़र स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है, यहाँ से फिर मरवा स्टार्ट होता है। दोस्तों ये मेरा लास्ट चक्कर था, मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और खुद भी अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया, ये मरवा के लास्ट पे भी थोड़ा सा पहाड़ का हिस्सा छोड़ा हुआ है, केमिकल डाला हुआ है, इसको ख़त्म किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग नफल पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया, अभी दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।